ओमिक्रॉन आ रहा है, दुकानदारी को लेकर परेशान भी होगे, लेकिन अब नहीं होना होगा परेशान, क्योंकि आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। अब आपके कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान माई बिग ब्लिस ऐप पर। ओमिक्रॉन के दौरान आपकी सेल को गिरने से सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी, तो इंतजार किस बात का, तुरंत फोन उठाओ और डाउनलोड कर रजिस्टर करो अपनी दुकान, वो भी मुफ्त में। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से आपकी राशियां क्या कहती हैं, कि आज कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है ज्योतिष के अनुसार, और ज्योतिष के अनुसार आज आपका राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है, आपकी राशियां क्या कहती हैं, आपका दिन कैसा व्यतीत हो सकता है, कौन सी राशि मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी, जो हमको बताएंगे कि आज का राशि पर कैसा रह सकता है। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। अखिलेश राठी जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एंड मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत शुभ प्रभात। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कम्युनिटीज के अंदर क्या होगी संभावना और नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर क्या रहेगी हलचल। इसके अलावा शेयर बाजार के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आगे चलें, हम पिछला अपडेट देना चाहेंगे। आपको याद होगा हमने आपको सोयाबीन के ऊपर, यानी ऑयल सीड का जो प्रमुख उत्पाद है और खरीफ सीजन का सबसे बड़ी फसलों में से एक सोयाबीन, इसके ऊपर बहुत चर्चित अलग अलग मार्केट विशेषज्ञों ने राय दी थी और यही कहा था कि सोया ऑयल के अंदर बड़ी भीषण गिरावट होगी। 1126 रुपए का भाव एनसीडीएक्स के अंदर निचले स्तर पे देखा गया, लेकिन उसी दिन बाउंस बैक भी हुआ, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको कहा किया था। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने यही कहा था कि सोयाबीन या ऑयल सीड की जो बात है उसकी तेजी मंदी का ऊंचा होना या नीचा होना किसी भी भारतीय के हाथ में संभवतः नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज के ऊपर तेजी और मंदी रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का बैन से या कोई प्रतिबंध लगने से कोई मामूली समय से, यानी टेम्परेरली इसका प्रभाव रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रभाव रहे इसमें एक संशय था, एक डाउट था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजारों में तेजी है या मंदी, लेकिन क्या आप कमा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अक्सर पूछा जाता है कि किन राशियों के लिए आज लेनियां हैं, यानी कौन मुनाफा कमा सकती है राशि और कौन नुकसान उठा सकती है, उसका संभवतः फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर ये विश्व का पहला शो है जो हर रोज आपके लिए लाइव प्रसारित होता है। 1-5-9 ये है मेष, सिंह और धनु राशि, अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसके लिए आज का दिन संभवतः मुनाफे का ना रहे, मुफीद ना रहे, खतरा बढ़ सकता है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। 2-6-10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन आज खतरा से भरा हो सकता है, सावधानी रखिए, बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। 3-7-11 यह है मिथुन, तुला और कुंभ राशि, वायु तत्व की राशियां हैं, लाभ कमाने की स्थिति में हो सकती है। तेज दिमाग, तुरंत निर्णय और तुरंत आनन फानन में काम करना इन राशियों की फितरत होती है। 4-8-12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, ये भी लाभ कमाने की स्थिति में हो सकती है लेकिन मिश्रित फल रह सकता है। राशियों के आधार पर आप ट्रेड या कोई कारोबारी निर्णय लें तो इसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरे के चांसेस कम हो जाते हैं, ये विषय। जी अखिलेश जी। जी तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि राशिफल आज आपका कैसा रह सकता है, कौन सी राशियां लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती हैं और किन राशियों को कितना संभल कर चलने की जरूरत है आज।
अब कर्नल अजय से जानेंगे कि आज कृषि फसलों में कैसा बाजार देखने को मिल सकता है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। कर्नल अजय जी, जैसा आपने अभी अभी बताया भी कि सोयाबीन की आपने भविष्यवाणी जो की थी वो भी सत्य साबित होती नजर आ रही है, और हमने देखा भी है कि सोयाबीन और सोयाबीन तेल दोनों में बढ़त देखने को मिली है। सोयाबीन में हमने ज़्यादा बढ़त देखी है, सोयाबीन में जो लेवल्स 5600-5700 तक गिर चुके थे NCDX पर, अब वही सोयाबीन एक दिन की तेजी के अंदर अंदर 6200 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब आगे सोयाबीन और सोयाबीन तेल में कैसा रुझान रहेगा? देखिए, यद्यपि NCDX के ऊपर फ्रेश पोजीशन लगाने में रोक लग गई है, लेकिन ऑयल सीड का बहुत बड़ा बाजार, हाजिर बाजार है, फिजिकल बाजार है। इसमें सोया के प्लांट्स हैं, कारोबारी हैं और सॉल्वेंट हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा जो कारोबार है वो विदेशी तेल का आयात होता है, और उसके बाद में टैंकर बेस अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है, वहां पे फिर रीपैकिंग होती है और दूसरे जो कारोबारी हैं अपने ब्रांड के नाम से माल बाजार में बेचते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर जैसे निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई, और ये उन लोगों को माकूल जवाब है जिनके दिमाग में ये थी कि NCDX पे रोक लग जाएगी और सोयाबीन 1100 से नीचे का भाव रिफाइंड ऑयल का हो जाएगा, और ये 1050-1080 तक की बातें बाजारों के अंदर सुनने में आने लगी थी। और गौरतलब है कि मैं मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से, अखिलेश राठी जी के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी कारोबारी हैं, किसान बंधु हैं या फिर मिल ऑनर्स हैं, वो भी विशेष ख्याल रखें कि क्यों उन मार्केट विशेषज्ञों के ऊपर वो जरी सी तेजी होने पर तेजी का राग अलापने लगते हैं और जरी सी मंदी होने पे लगातार मंदी की कॉल देने लगते हैं या मंदी की बात करते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर वो तेजी में भी परेशान होता है बंदा और वो मंदी में भी परेशान होता है, और ये अक्सर परिपाटी हो गई है कि तेजी में तेजी चिल्लाओ, मंदी में मंदी की कॉल करो। तो ये बाजारों का निश्चित रूप से ये कोई तरीका या नहीं है। जो भी फंडामेंटल आप अपनी राय रखते हैं उसके लिए कम से कम महीना दो महीना उस पर आपको कायम रहनी चाहिए, तभी तब उस मार्केट विशेषज्ञ की राय का कोई मतलब निकलता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, कोई इसका वह नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर अब थोड़ी सी ठहराव रहने की संभावना है कुछ समय के लिए, लेकिन कुल मिला के यदि मैं देखूं कि यदि सोया और रिफाइंड ऑयल का ताल का भाव 1080 या 1050 या 1070 आए, ऐसी संभावनाएं नहीं है। बाजारों के अंदर ठहराव जरूर रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ी मंदी की संभावनाओं से मैं इनकार करता हूं, मेरा विश्लेषण नहीं कहता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती है, और याद कीजिए चाहे वो कॉटन है, चाहे प्याज है, चाहे सोयाबीन है, या फिर मसालों के अंदर लाल मिर्च है, कोरिएंडर, धनिया है, या फिर जीरा। इसके ऊपर हमने प्रयास किया है कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो चमत्कारिक फार्मूले हैं उन फार्मूले के आधार पर विश्लेषण कर आप तक अपनी बात पहुंचाऊं, और ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मार्केट टाइम्स की नहीं है, ये जीत अजय एस्ट्रोमनीगरी फाइनेंशियल चैनल की नहीं है, ये जीत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने सदियों पहले ऐसे जबरदस्त विलक्षण फार्मूले ईजाद किए थे और जिससे सटीक विश्लेषण करने में संभव हो। लेकिन सदियों से हमारे देश पे आक्रमण, हमारी संस्कृति पे आक्रमण, हमारी भाषा पे आक्रमण, हमारे ज्ञान विज्ञान पर एक सवालिया निशान, इससे काफी समय तक हम लोग अंधेरे में रहे और भारतीय भी इसको कम मानने लगे। लेकिन अब समय है कि पुनरुत्थान का, पुनर्जागरण का, और सही को सही और गलत को गलत साबित करने का, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से करती आई है। तो सोयाबीन के अंदर मेरी यही राय है अखिलेश जी। जी, यही से कर्नल जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कुछ नरमी बनती नजर आ रही है, आपके अनुसार आज वो कौन से मसाले होंगे जिनमें मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, और आने वाला समय मसालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए,
अल्प अवधि के अंदर मसालों के अंदर एक बड़ी तेजी रही, उसमें कोई दोहराए नहीं है, जिसके अग्रिम विश्लेषण आकलन हमने आपको जीरे पे भी दिया था। और आपको याद होगा लगातार हम आपको खबर भी दे रहे थे कि जीरे का रकबा इस बार गुजरात के अंदर काफी कम माना गया और इसका असर बाजार पे भी पड़ा। और सन 2022 का जो ईयर ऑफ द डे है या ईयर ऑफ कमोडिटी है उसके अंदर मसाले प्रमुख रहने की संभावना है, लेकिन बहुत लगातार तेजी के बाद कुछ ठहराव आ सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है, कुछ मुनाफा वसूलियां भी हो सकती है। तो जीरा धनिया के अंदर थोड़ा सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन कुल मिला के लंबी अवधि के लिए जो भी निवेशक कारोबारी है वो इसके अंदर तेजी की संभावना ही बनेगी, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो तेजी बन सकती है विशेषकर जो है वो हम लोग मान के चलते हैं कुछ तेजी गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ थोड़ा सा तेजी की संभावना बनती है, क्योंकि गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर लगातार अच्छे माल की पर बड़े अच्छे चल रहे हैं, इसके अंदर तेजी रह सकती है। लाल मिर्च के अंदर भी तेजी की संभावना है, पूरी बनने की संभावना है, इसके अंदर तेजी जारी रह सकती है। खासकर तेजा जो है स्पेशल जो लाल मिर्च का ब्रांड है इसके अंदर भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्याज के ऊपर कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है, यदि हम सब्जी या दूसरे ऑनियन के ऊपर देखें तो उसके अंदर कुछ कमजोरी की देखी जानी संभव हो सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसे कि कर्नल जी ने बताया कि मसालों में धनिया और जीरे में कुछ भी देखने को मिल सकती। जी कर्नल जी, जी तो जैसे कि कर्नल जी ने बताया कि धनिया और जीरे में कुछ हल्की नरमी देखने को मिल सकती है जो कि हम देख भी रहे हैं, और दूसरों ने प्याज में गिरावट के आसार बताए हैं कि प्याज में अभी और गिरावट थोड़ी देखने को मिल सकती है। दूसरा ग्वार गम में हल्की सी मामूली सी बढ़त की आशंका उन्होंने बताई है, जो कि हम ग्वार में देख भी रहे हैं कि एक ट्रेंड से फॉलो होता नजर आ रहा है कि इंट्राडे में सुबह के कारोबारी सत्र में तो जो ग्वार का वायदा बाजार है हल्की नरमी के साथ खुलता है, लेकिन शाम होते होते क्लोजिंग होते होते हल्की बढ़त बन रही है। ये जो ट्रेंड है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देखते नजर आ रहे हैं। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में आपको क्या लगता है, नॉन एग्री में आज किन नॉन एग्री कम्युनिटीज में मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए आज मैं बुलियन पैक पे थोड़ा सा नजर रखनी उचित रहेगी। बुलियन के अंदर सिल्वर के अंदर यानी चांदी के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है, उसके अंदर अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। अभी फ्लैट सा मार्केट चल रहा है और मुझे लगता है कि और गोल्ड के अंदर भी फ्लैट सा माहौल है और भारतीय रुपया भी 75 रुपए 18 पैसे के आसपास मूव कर रहा है, और मुझे लगता है कि भारतीय रुपये की जो मजबूती है बरखिलाफ यूएस डॉलर उसको देखते हुए और कुछ बाजारों के अंदर शेयर बाजार में भी कुछ नरमी जो है उसको देखते हुए लगता है कि आज सिल्वर के अंदर कुछ कमजोरी बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर यदि इसको खरीदने से तो बचना चाहिए, यदि कोई खरीदने की सोच रहा है तो थोड़ी सी बचाव करना चाहिए। 48,150 गोल्ड का भाव चल रहा है, उसमें भी थोड़ी खरीदारी से बचने की सलाह है। यदि बिकवाली कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और इसके अंदर बिकवाली का ही रुख मेरी तरफ से बनता है। जी अखिलेश जी, जी तो कर्नल जी के मुताबिक आज चांदी में कुछ कमजोरी की संभावना बनती नजर आ सकती है। इससे कर्नल जी रुख करें अगर अब शेयर बाजार की ओर, तो शेयर बाजार में आपको क्या लगता है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट रहेगी बाजारों के अंदर या तेजी, और किन शेयरों में आज किन स्टॉक्स में आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए जहां तक भारतीय स्टॉक मार्केट का सवाल है शेयर बाजार का, पनीश लशला जी के मुताबिक आज कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बाजारों के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है, विशेषकर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कुछ दबाव ज्यादा रहने की संभावना है। आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, इन प्रमुख बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर या फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस वगैरह, इसके अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है। और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर भी टाटा पावर है, इसके अंदर भी कमजोरी हो सकती है। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स है, इसके अंदर भी कुछ कमजोरी नजर आ सकती है। और इसके अलावा जो मेन कमजोरी ज्यादा बन सकती है बैंकिंग स्टॉक्स, उसके अंदर प्रमुख है
जी के का पैक भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, उसके अंदर लगातार तेजी दर्ज थी सोनी के साथ मर्जर को देखते हुए, लेकिन आज मुनाफा वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता, इसके अंदर भी कमजोरी बन सकती है। और लेकिन अब सवाल यह है क्या इस कमजोरी का फायदा उठाना है या फिर कमजोरी जारी रहेगी। जहां तक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का आकलन का सवाल है, मुझे लगता है कि जब सोमवार को बाजार खुलेंगे उसके बाद थोड़ी सी कुछ बाउंस बैक होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखनी उचित होगी, उसके अंदर एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण स्टॉक है, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट की भी काफी बात हो रही है, और जितना इसका मार्केट कैप है मतलब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस और उसकी जो शेयर वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड समझ आ रही है, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक है और इतना रियल इस्टेट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है और सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन बहुत कम है। मुझे लगता है कि जैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा चलेगी और इसके ऊपर बिड्स आएंगी जिसके अंदर सब बड़े बड़े प्लेयर इसमें शामिल होंगे, क्योंकि गौरतलब है कि भारत का इंपोर्ट जो है वो जो शिपिंग कॉरपोरेशन का ऑफ कंपनी है इसके पास सबसे ज्यादा जहाज या शिप्स हैं, और जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है उसमें इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि जो ऑयल वेसल सबसे ज्यादा भारत की इसी कंपनी के पास है, और गौरतलब है इसके जितने भी जहाज हैं उसमें ज्यादातर जहाजों के नाम भी भारतीय योद्धाओं के नाम पर रखी गई है, परमवीर चक्र ऑनर जो है उनके नाम पर रखे गए हैं, और ये कंपनी जल्दी ही शायद बिकने पे आए, सरकार इसको बेचने की कोशिश करे कि डिसइन्वेस्टमेंट में आएगी तो काफी बड़ी तादाद में बहुत अच्छे आकर्षक वैल्यू के ऊपर इसके ऊपर इसकी बोली लगेगी, और इसका जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छा और आकर्षक होगा। यदि कोई भी बड़े लंबे समय के लिए थोड़ा निवेश करना चाहता है तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात इस शो के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी है, जो भी कारोबारी जो भी किसान बंधु जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, वो कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन विवेक और अपने सलाहकार से अवश्य राय कर लें। कोई हमारी तरफ से ना कोई खरीदने या बेचने के ऊपर कोई ऑफर या कोई हमारा नजरिया नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर क्या संभावना है उसके संकेत देना है, और किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान ना मार्केट टाइम्स टीवी ना मैं स्वयं इसके लिए कोई जिम्मेदार होंगे, ना प्रॉफिट के लिए ना लॉस के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जिसको देना अत्यंत आवश्यक है कोई भी फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस या एनालिसिस देने वालों के लिए, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। जी अखिलेश जी, जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।